कार्तिकेय 2 जो ऑफिशियल सिक्वेल है 2014 में रिलीज हुई फिल्म कार्तिकेय का, यह एक एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है जिसको तमिल के साथ साथ हिंदी, मलयालम, कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज किया गया है। इस मूवी में डॉक्टर कार्तिकेय हमेशा मिस्ट्री के पीछे लॉजिक ढूंढने में रहता है। बिलीव मी, यह मूवी आपको स्टार्टिंग से एंड तक बांधे रखेगी। यह मूवी 2.5 घंटे की है। फिल्म का पहला हाफ कब शुरू होगा और कब खत्म हो जाता है आपको पता तक नहीं चलेगा। फिल्म का सेकंड हाफ पूरी तरह से मिस्ट्री और एडवेंचर से भरा हुआ है, जिसमें पहला हाफ 1 घंटे का और दूसरा हाफ 1.5 घंटे का है। यह कहानी शुरू होती है द्वारका से, जो कई जगह घूमती है। अब कार्तिक के सफर की आखिरी मंजिल या तो श्री कृष्ण माइथोलॉजी नहीं या हिस्ट्री होने के सबूत है, या सीधा मौत। कार्तिक के साथ एक साहब भी चलता है जो दोस्त है या दुश्मन, या कार्तिक की श्री कृष्ण को ढूंढने की जिसने दूसरे शैतान को जिंदा तो नहीं कर दिया, यह आपको मूवी देखने पर पता चलेगा। मूवी में बताया गया कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जान का जितना खतरा नहीं था, उससे ज्यादा खतरा इस सफर में है। कुल मिलाकर इस मूवी में डॉक्टर कार्तिक के साथ साथ आप भी इस मूवी का हिस्सा बनोगे। यह एक एडवेंचर है, बहुत तगड़ा वाला, एक यूनिक डिफरेंट, जो बॉलीवुड की पहुंच से बहुत दूर है। मूवी के अंदर बहुत से ऐसे सीन है जिसमें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हाँ, फिल्म में अनुपम खेर का एक मोनोलॉग जो कि आपको देखना और सुनना चाहिए, जिसको सुनकर आपको भूस बम फील हो जाएंगे। अब यह मूवी क्या निष्कर्ष देती है, देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा, लेकिन शोज बहुत कम है, मुश्किल से 1 या 2 पूरे दिन में। इस मूवी के विजुअल्स इसका प्लस पॉइंट तो है, लेकिन बहुत सी जगह वह अनरियलिस्ट भी लगती है। कुछ गलतियां पकड़ में आ सकती है अगर बारीकी से देखा जाए तो, लेकिन फिर भी इस मूवी में काफी कट शॉर्ट है जिसकी वजह से यह गलतियां छुप जाती है। फिल्म के बीच बीच में मूवी के कॉन्सेप्ट बताने के लिए एनिमेशन का भी यूज किया गया है। और इस मूवी की मिस्ट्री जैसे ही खत्म हो जाएगी, लास्ट में इसके थर्ड पार्ट का भी एक अच्छा सा सेटअप किया गया है। इस मूवी में श्री कृष्ण की लाइफ से और ज्यादा डिटेल्स को एक्सप्लोर किया जाता, ना कि फिल्म के हीरो के राउंड एक्स्ट्रा कैरेक्टर में टाइम वेस्ट करना, फिर इस मूवी की बात ही कुछ और होती। यह एक ऐसी मूवी है जिसे आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।